स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना जो चैप्टर नंबर 7 है ट्रेनिंग, उसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड इस वीडियो के अंदर हम अपना ट्रेनिंग का इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो टॉपिक है वो स्टार्ट लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम मीनिंग को डिस्कस आउट करेंगे कि इवेल्युएशन होता क्या है ट्रेनिंग प्रोग्राम का, एंड आफ्टर दैट कौन कौन से तरीकों से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम इवेल्युएट करते हैं, उसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम, द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, मतलब जो स्टेप्स हम फॉलो अप करते हैं किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को एग्जामिन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड दी ट्रेनिंग इवेल्युएशन। ठीक है, उसको हम ट्रेनिंग इवेल्युएशन, यहाँ पर स्टूडेंट्स इवेल्युएशन आएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग इवेल्युएशन बोलते हैं। तो इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है कि जो भी आप स्टेप्स फॉलो करते हैं किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्क्रूटिनाइज करने के लिए, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रेनिंग इवेल्युएशन। जो ट्रेनिंग इवेल्युएशन है वो क्या चेक करता है कि जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है या जो ट्रेनिंग हमने अपने एम्प्लॉयज़ को दी है, क्या उसके एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिज़ायर्ड इफेक्ट आया है कि नहीं आया। दैट मीन्स व्हाट वी वांट, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आर एम्प्लॉयज़ बाय लर्निंग अ पर्टिकुलर स्किल और बाय ग्रैबिंग अ नॉलेज, क्या उनके अंदर कुछ फ़र्क पड़ा है उनकी परफॉर्मेंस में, तो उस चीज़ को चेकआउट करना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं। ट्रेनिंग इवेल्युएशन इंश्योर्स दैट, ट्रेनिंग जो इवेल्युएशन है वो किस चीज़ की इंश्योरिटी लेती है, किस चीज़ को चेकआउट करती है, दैट वेदर कैंडिडेट्स आर एबल टू इम्प्लीमेंट देयर लर्निंग इन देयर रिस्पेक्टिव वर्क प्लेसेस और टू द रेगुलर वर्क रूटीन। एंड बेसिकली स्टूडेंट, जो ट्रेनिंग इवेल्युएशन है वो किस चीज़ की इंश्योरिटी लेता है, दैट मीन्स द कैंडिडेट्स ने जो भी स्किल या नॉलेज ग्रैब की है, क्या उसको जो उन्होंने लर्न किया है वो अपनी वर्क प्लेस के ऊपर और अपनी वर्क रूटीन के अंदर उस चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इन सब चीज़ों को हम किसके अंदर चेकआउट करते हैं, वेन वी आर इवेल्युएटिंग आर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, स्टूडेंट्स, हमारे पास चार तरह का इवेल्युएशन होता है। द वेरी फर्स्ट वन इज़ द फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, नेक्स्ट वन इज़ द प्रोसेस इवेल्युएशन, थर्ड वन इज़ द आउटकम इवेल्युएशन, एंड लास्ट वन इज़ द इम्पैक्ट इवेल्युएशन। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की, तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता क्या है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन मे बी डिफाइंड एज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मेजरमेंट्स ऑब्टेन्ड and judgments made before or during the implementation of material, methods or programs to control. तो students, formative evaluation के अंदर होता है कि जो भी हमने methods, जो भी material का इस्तेमाल करना है या जो भी programs का use करना है training को conduct करवाने के लिए, तो क्या वो सब चीज़ें सही हैं कि नहीं है, क्या ये चीज़ें किसी particular person की, आप कह लीजिए, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगी कि नहीं करेंगी। जो भी हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, क्या वो सूटेबल है हमारी इंटेंडेड ऑडियंस के लिए, तो इन सब चीज़ों का आप कह लीजिए हम चेकआउट करते हैं किसके अंदर, अपना फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंदर। जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास प्रोसेस इवेल्युएशन। प्रोसेस इवेल्युएशन स्टूडेंट्स क्या करता है, प्रोसेस इवेल्युएशन answers the question what did you do, it focuses on procedures and actions being used to produce results, it monitors the quality of an event or project by various means, traditionally working as an onlooker। देखो, प्रोसेस इवेल्युएशन नाम से ही आप मीनिंग को थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं मीनिंग का। प्रोसेस इवेल्युएशन के अंदर होता क्या है कि जो भी हम ट्रेनिंग के अंदर जो प्रोसीजर्स मेथड्स स्टार्ट कर दी, हमने ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी है फॉर्मेटिव में तो पहले होता है, लेकिन जो हमारा प्रोसेस है, हमने ट्रेनिंग अपनी एम्प्लॉयज़ की स्टार्ट कर दी है, तो उसके अंदर हम फोकस करते हैं जो भी प्रोसीजर्स या एक्शंस हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, क्या वो हम सही यूज़ कर रहे हैं, सही तरीके से उनका इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ऑनगोइंग हम क्या करते हैं, नज़र रखते हैं पूरे के पूरे ट्रेनिंग के ऊपर,
ऑनगोइंग इवेलुएट करते रहते हैं कि ये चीज़ सही हो रही है कि नहीं सही हो रही, तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस इवेलुएशन। ठीक है, नेक्स्ट कम्स दी आउटकम इवेलुएशन। स्टूडेंट्स, आउटकम इवेलुएशन क्या होती है? आउटकम इवेलुएशन आंसर द क्वेश्चन व्हाट हैपेंड टू द नॉलेज एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द इंटेंडेड पॉपुलेशन। बच्चे, इंटेंडेड पॉपुलेशन यहाँ पर हमारे पास क्या है? इंटेंडेड पॉपुलेशन स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर है हमारे ट्रेनीज। ट्रेनीज कौन होते हैं? जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो क्या जो हमने ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की, आउटकम है ना, मतलब ट्रेनिंग दे दी, तो क्या उनकी नॉलेज में, एटीट्यूड में, बिहेवियर में किसी भी तरह का कुछ आपको हैपनिंग लग रही है? दैट मीन्स कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? बिकॉज आउटकम हम हमेशा कैसे पता करते हैं? जब भी बिहेवियर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी ट्रेनिंग का एंड होगा तब हम क्या करेंगे? इवेलुएट करेंगे कि वेदर देयर नॉलेज, देयर एटीट्यूड और बिहेवियर हैज़ बीन चेंज्ड और नॉट, क्या उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आई है कि नहीं आई। और लास्ट होती है हमारी इम्पैक्ट इवेलुएशन। बच्चे, एक बार चेकआउट कर लिया, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, उसके बाद अपने एम्प्लॉयज़ की नॉलेज वगैरह चेकआउट कर ली, तो वो तो हो गया हमारा आउटकम इवेलुएशन। लेकिन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट होता है लंबे समय तक के लिए। ठीक है, तो इम्पैक्ट इवेलुएशन टेक्स इवन लॉन्गर देन आउटकम इवेलुएशन। तो ये आउटकम इवेलुएशन से भी लंबी होती है एंड यू मे नेवर नो फॉर श्योर दैट योर प्रोजेक्ट हेल्प ब्रिंग अबाउट द चेंज। इम्पैक्ट अकर्स थ्रू एन एक्यूमुलेशन ऑफ आउटकम्स। बच्चे, इसमें हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट, सपोज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़त्म हुई, जैसे मैंने बताया, तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जब खत्म हुई उसके बाद पर्सन्स की नॉलेज को चेकआउट किया, दैट इज़ नोन एज आउटकम इवेलुएशन। लेकिन इम्पैक्ट में क्या होगा, हम ऐसा तो नहीं है एक बार ट्रेंड कर दिया तो काम खत्म, हम क्या करते रहते हैं, टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड करते रहते हैं। तो उसके बाद हम डिफरेंट आउटकम्स को क्या करते रहते हैं, चेकआउट करते। जब डिफरेंट आउटकम्स को हम एक्यूमुलेट कर देते हैं कि इधर इतना बदलाव आया नॉलेज में, इतनी नॉलेज इंक्रीज़ हुई, फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से एम्प्लॉयज़ के बीच में, एम्प्लॉयज़ के अंदर इस तरह का आप कह लीजिए चेंज आया, तो जब हम डिफरेंट आउटकम्स को क्या कर देते हैं, एक्यूमुलेट कर देते हैं, देन दैट इज़ नोन एज इम्पैक्ट इवेलुएशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो आज हमने मीनिंग को डिस्कस किया और अपनी चार तरह की इवेलुएशन को। फर्स्ट वन कौन सी थी? फॉर्मेटिव इवेलुएशन। दूसरी कौन सी थी? प्रोसेस इवेलुएशन। थर्ड वन वॉज योर आउटकम इवेलुएशन। और लास्ट कौन सी थी? इम्पैक्ट इवेलुएशन। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो इवेलुएशन का टॉपिक है वो कवर अप होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किस तरीके से डिज़ाइन होता है और क्या प्रिंसिपल्स होते हैं ट्रेनिंग के, वो स्टार्ट लेंगे। तो आज के वीडियो को अच्छे से चेकआउट कीजिए, ठीक है, एंड आफ्टर दैट अपनी टेक्स्ट बुक को रीड आउट कीजिए। इफ स्टिल फेसिंग एनी प्रॉब्लम एंड एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।